देखिए यहाँ पर मैथ्स का क्लास नंबर 9 है, पॉलिनोमियल चल रहा था। इसमें हम लोग के पास 10 फॉर्मूले हैं, याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सर्वे सर्वा है, हर क्लास में मिलता है, है ना। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या जो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहला याद हो गया ना, बताओ फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया। चलो दूसरा बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्लियर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्लियर है। चलो एक बार फिर से बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अब आगे आ जाओ माइनस वाला, a माइनस b का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, या क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। आगे a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होगा, a माइनस b एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होगा, a प्लस b एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4ab। अब ये चीज आपको याद रहना चाहिए, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग याद कर लेंगे इसको अच्छे से, उम्मीद पर पानी मत फेरना, क्लियर है। अब आगे हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। देखो भैया, एक होता है आपका बहुपद के शून्यक, क्या होता है बहुपद के शून्यक, और एक होता है आपका इसको बोलेंगे जीरो। शून्य को क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, है ना। बहुपद के शून्य को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद का शून्य। और भैया एक होता है बहुपद की घात, दोनों पहले नंबर अंतर भी समझो। एक होता है आपका बहुपद की घात होती है, जिसको बोलेंगे पावर ऑफ, बोलिए पावर ऑफ पॉलीनोमियल्स होती है। अब दोनों में ध्यान से समझना, बहुपद के जो शून्य को होते हैं, बहुपद के शून्य जो होते हैं, इसमें आप सीधा सीधा याद रखो, शून्य की अगर बात किया जाएगा ना, तो बहुपद में जो चर का मान होता है, चर राशि मतलब समझ रहे हैं, वेरिएबल नंबर, चर राशि का मान, बहुपद में जो चर राशि का मान होता है वही, उसी को कहते हैं बहुपद के शून्य। हाँ, बहुपद के शून्य को या तो अल्फा से दिखाएंगे, या तो बीटा से, या तो जो है गामा से, अल्फा बीटा या गामा से दिखाते हैं बहुपद के शून्य को। बोलो क्लियर है यहाँ पर,
है ना। अच्छा दूसरा क्या होता है, बहुपद की घात का मतलब बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात जो होती है उसको कहते हैं बहुपद की घात, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल नंबर्स इन द पॉलीनोमियल्स। बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है उसी को कहते हैं बहुपद की घात। जैसे मैं कह दूं x की घात 7+5 7x की घात 5 इस और प्लस मान लो कह देता हूँ 8, बताओ इसमें बहुपद की घात कौन है। बहुपद की घात आपको होगी अधिकतम घात क्या है 7, तो बस इसमें बहुपद की घात क्या होगी 7 होगी। समझ में आया, इतना क्लियर है। तो इसमें बहुपद की घात आप बताओगे 7 है, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि बताइए भैया ऐसे कोई सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं प्रश्न है कौन सा सेंटेंस, सेंटेंस में यहां पर मतलब ऐसे कुछ लिख देता हूं और इसमें ऐसे सपोज करो मैं लिख देता हूं x²-5x+24 और इसमें कह दो इसमें बताओ बहुपद के शून्य कौन होंगे। तो देखो भैया अगर ये द्विघात बहुपद है कि तिरघात बहुपद है कि रैखिक बहुपद है, तो आप कहोगे द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में बहुपद के शून्य 2 होंगे, तिरघात बहुपद में बहुपद के शून्य कितने होंगे 3 होंगे, चतुर्घात बहुपद में बहुपद के शून्य कितने होंगे 4 होंगे। तो इसमें बहुपद के शून्य क्या होंगे 2 होंगे, है ना। अब बहुपद के शून्य कैसे निकाला जाता है ना, बहुपद के मतलब इसमें 2 होंगे, अब बहुपद के 2 का मतलब x का 2 मान निकलेगा, इसमें x का 2 मान निकलेगा और उन्हीं 2 मानों को क्या कहेंगे बहुपद के शून्य कहेंगे। क्लियर है। अब प्रश्न आता है कैसे 2 मान निकाला जाता है, कैसे 2 मान निकाला जाता है। तो देखो कैसे निकाला जाता है, इसके लिए गुणनखंड किया जाता है, जैसे x²-5x+24 आई होप आप लोगों को निकालना आता होगा, नहीं आता है तो ध्यान से समझो क्या होता है। देखो जब इसको सॉल्व करना रहता है बहुपद के शून्य निकालना, तब आप क्या करो आखिरी वाला और पहले का गुणांक, पहले में अचर पद, नहीं समझे, पहले का ठीक और आखिरी वाला आप गुणा कर दो, तो 24 × 1 आपने कहा यहाँ पर 1 है कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 × 24 आपका क्या आया, आपने कहा 24 आया। क्लियर है भैया। अब आपको क्या करना, बीच वाले को ऐसे तोड़ना है, काटना है, पीटना है कि प्लस या माइनस करने पर 5 आए और 5 नहीं बल्कि -5 आए और गुणा करने पर 24 आए, यही कंडीशन है, यही बस यही स्टेप अपनाना है, नहीं समझे। हमने क्या कहा, जब आपको द्विघात बहुपद को सॉल्व करना हो, बहुपद के शून्य निकालना हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर में जो भी गुणा किया गया जिस अंक से अचर पद और इधर अचर पद जो है इनको गुणा कर लेना है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने क्या किया, 1 लिखा, अगर यहाँ 2 होता तो हम क्या करते 2 गुणे करते, हमने अभी 1 लिख दिया तो 1 × 24 आपको गुणा कर लेना, आपका गुणा करने पर क्या आया, आपने कहा 24 है। अच्छा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो आपका +24 आया, समझ पा रहे हैं ना। तो आपको अब क्या करना है, ऐसा कुछ सोचना है कि बीच वाले नंबर को चाहे आप प्लस करो चाहे आप माइनस करो, लेकिन प्लस करने पर या माइनस करने पर -5 आए, गुणा करने पर 24 आए, गुणा करने पर क्या है 24 आए। अब आपको कुछ सोचना, तो इसके लिए आप क्या करो लासा ले लिया करो, है ना। तो जब आप करोगे तो 12 × 2 = 24 है ना, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 या ऐसे कर दें 2 × 3 = 6। अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है, आप कह रहे हो अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ ऐसा ले लेते हैं कि 3 × 6 है ना, या ऐसे ले लेते हैं 2 × 4 × 8 8 ले लिए और इधर ले लिए 3, क्या ले लिए इधर ले लिए 8 ले लिए इधर ले लिए 3, अगर हम 8 − 3 करते हैं तब तो 5 आ गया, 8 × 3 = 24 करते हैं तब तो -24 आ गया, गलत हो गया, गलत हो गया, मैंने क्या कहा गलत हो गया, क्यों,
क्योंकि प्लस से माइनस करने पर बीच वाले बराबर मतलब माइनस पांच आना चाहिए। आपको तो अच्छा ये गलत हो गया, तो हम इसको अगर माइनस आठ प्लस तीन ले ले तो है ना, आप कहोगे अगर मैं माइनस आठ प्लस तीन ले लेंगे तब तो भैया माइनस पांच तो आ गया, लेकिन माइनस आठ और तीन को जब गुणा करेंगे तब तो माइनस चौबीस आ गया ना, लेकिन हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस चौबीस आना चाहिए। पंगा हो गया, नहीं ले सकते हैं, कुछ तो समस्या है। अब आपको कुछ और सोचना होगा, आपको कुछ और दिमाग लगाना होगा, है ना। अब आप क्या दिमाग लगाओगे, अब आप सोचो, आप लगाओ दिमाग, इसमें क्या हो सकता है। आपने कहा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो भैया कुछ तो इसका सॉल्यूशन होगा, ये आपको दिमाग लगाना है। अब इसका इसके साथ क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब आप सोचो, है ना, अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दो। अब देखो आप यहाँ पर खूब सोच विचार रहे हो भैया, इसमें दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, कुछ बन रहा है तो प्लस माइनस में आ रहा है, तो एक्चुअली ये सवाल ही गलत है ना। यहाँ पर अगर यहाँ पर इसका क्वेश्चन जो था, ये गलती तो मुझसे ही हुआ है, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ भाई। यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस। अब ध्यान से देखो, अब ये आ गया, अब आपको क्या करना है, आपको हो गया अच्छा कौनो बात ना है ना गुरु जी, हम तो समझदार ही है, ठीक है भैया समझदारी दिखाओ। फिर जब आप समझदार हो, आपने कहा अच्छा पहले का और आखिरी का, तो पहला तो एक है ना, पहला तो क्या है एक है, और आखिरी वाला क्या आप करो माइनस चौबीस, एक गुणे माइनस चौबीस करोगे तो आया माइनस चौबीस। अब आपने क्या समझा, अच्छा क्या कुछ ऐसा करो ना कि प्लस या माइनस करने पर क्या आए, प्लस पांच आए, बीच वाले बराबर प्लस पांच आए, ठीक, और भैया गुणा करने पर क्या आए, माइनस चौबीस आए, चौबीस नहीं बल्कि क्या है माइनस चौबीस आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको चौबीस का ले लेना है लास्ट सा, और करना है दो एक के दो, दो दूना चार, फिर यहाँ पर दो छंग बारह, दो तीन छह, तीन के तीन। अब यहाँ पर आपको इसी में खुरा बात करना, ठीक है, आप कह रहे हो हम इसको कर सकते हैं दो दूना चार दूना आठ, और आठ के साथ ले लेते हैं तीन, है ना। तो देखो आठ में से अगर तीन माइनस करेंगे तो भैया पांच आ गया, बीच वाले बराबर प्लस से माइनस करने पर, और आठ गुणे माइनस तीन करेंगे तब तो माइनस चौबीस, पूरा कंडीशन फॉलो है, गुणा करने पर माइनस चौबीस के बराबर। आप करो हाँ ले सकते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर है ना प्लस आठ एक्स माइनस तीन एक्स, क्योंकि देखो आठ त्रिक चौबीस माइनस चौबीस के बराबर आ जाएगा, आठ एक्स में से तीन एक्स निकल जाएगा तो आपको हो गया पांच एक्स आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक, माइनस चौबीस, क्लियर है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे आपको हो गया अच्छा इन दोनों में एक्स कॉमन है ना, तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप करो मैं कॉमन ले सकता हूँ एक्स कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब टू एक्स, एक तो निकाल दिया गया, कॉमन का मतलब भाग देना, तो ठीक है यहाँ x बचा, और यहाँ पर जब x निकल जाएगा तो 8 बेचारा अकेला ही बचेगा, ब्रैकेट बंद हो गया, समझे इतना। यहाँ पर हम एक तो कॉमन ले सकते हैं माइनस दोनों में है, दूसरा तीन अठे चौबीस, चौबीस तीन के पहाड़े में है, तो हम तीन भी कॉमन ले सकते हैं। आप कहोगे यहाँ x बचा और तीन अठे चौबीस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये समझे, बोलो इतना क्लियर हुआ। आप करें इन दोनों में अब हम एक संख्या और कॉमन ले सकते हैं, और वो है x प्लस एट, हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचा x, यहाँ क्या बचा x बचा, यहाँ क्या बचा माइनस तीन, क्लियर है। अब जो बहुपद के शून्यक की बात करें, तो बहुपद के शून्यक निकालने के लिए तुरंत इसको बराबर जीरो कर देना, तुरंत इसके बराबर में क्या कर देना, जीरो कर देना, और जब जीरो करने का मतलब x प्लस आठ बराबर जीरो, आठ इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस आठ होगा कि नहीं, क्लियर है। x माइनस तीन बराबर आपको हो गया जीरो, इधर माइनस में है, इधर ये किस में है माइनस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो आप कहोगे उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भैया, प्लस में हो जाएगा, मतलब x बराबर तीन हो जाएगा कि नहीं। तो ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, बताओ समझ में आया। तो अगर हम कहें इसमें बहुपद के शून्यक क्या है, तो आप कहोगे बहुपद के शून्यक एक जो अल्फा है
बहुपद्य शून्य जो अल्फा है, जो पहला वैल्यू है वो है -8, और जो बीटा है, जो बीटा है वो क्या है आप कहोगे 3 है। बताओ समझ में आया? समझ में आया? अब देखो, पहले इसे लिखो फिर मैं बताता हूँ। इसे लिखिए, देखो भाई यहाँ पर आपको ये भी सही करना है। इसका क्वेश्चन का सही फॉर्मेट होगा x2 + 5x और -24 होगा। ये सही कर लेना, थोड़ा सा लिखने में ही मिस्टेक हो गया था मुझसे। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ बताया कि बहुपद के शून्य जो हैं, एक है -8 है और एक 3 है। बहुपद के शून्य को अल्फा गामा बीटा आगे इसी प्रोसेस में दर्शाया जाता है। आपने अब देखो भैया, हम मानते हैं, ये हटा देते हैं, निपटा देते हैं, हम कह रहे हैं बहुपद के शून्य क्रमशः -8 और 3 है, तो आप बताइए ये कौन से समीकरण से इनका पैदा, इनके मतलब मम्मा पापा कौन है, कहाँ से, कौन से समीकरण से अवतार लिए, समझ रहे हो? तो आप बता सकते हो। आप करो अच्छा, हाँ, इसके लिए आपको क्या करना है, एक सूत्र अपनाना है x2। इसके लिए ये सूत्र याद कर लें, x2 फिर -α + β और यहाँ x लगा देना और फिर यहाँ पर +α × β, यही से। अभी देखो ये कहाँ से पैदा हुए थे, अभी पता चल जाएगा, ठीक है? हाँ, तो देखो x2 - α का वैल्यू -8 रख दो और बीटा का वैल्यू क्या रख दो, आप कहोगे 3 रख देंगे, ठीक है, रख दिया। और प्लस यहाँ पर अल्फा का वैल्यू -8 और बीटा का वैल्यू 3। अब सॉल्व कर लो, x2 - 8 में से 3 गए, आप कहोगे 5, -5 आया, -5 x और +8 = 24, -24 आया। अब आप कहोगे x2 -- हो गया +5 x और -24, बताओ इन्हीं से तो पैदा हुआ था, गजब का। समझ में आया? मतलब किस तरह से अगर आपको द्विघात बहुपद बनाना, ध्यान से समझो, द्विघात बहुपद बनाना है शून्यकों की हेल्प से, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें कई सारी और कलाकारी होती है। देखो क्या होती है, कैसे होती है, सारी कलाकारी आज सिखाऊंगा और तुमको कलाकार बनाऊंगा। देखो एक चीज और समझो, एक तो तरीका ये है, दूसरा क्या होता है, α + β, इसको क्या बोलोगे, शून्यकों का योग। भाई अल्फा बीटा गामा अगर ये शून्यक है, अगर ये क्या है, शून्यक है, तो α + β को आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे α + β को हम क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। तो भैया देखो यहाँ ध्यान से समझना, बड़ी काम की चीज है, शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग होता है ना, वो होता है आपका क्या होता है, वो होता है माइनस के साथ एक्स का गुणांक। ये याद कर लो, क्या होता है, माइनस के साथ एक्स का गुणांक और अपान में x2 का गुणांक। अपान में क्या होता है, x2 का गुणांक होता है। मैंने क्या बताया, शून्यकों का जो योग होता है, माइनस के साथ x का गुणांक और अपान में x2 का गुणांक होता है। गुणांक का मतलब गुणा की अंक। तो आप देखो, आप क्या देखोगे, अगर इसके द्विघात बहुपद का एक व्यापक समीकरण की बात करें, तो a² + bx + c होता है, तो इसके आधार पर x का गुणांक कौन है, तो आप कहोगे b है। x का गुणांक कौन है, आप कहोगे क्या है, b है। आप क्या कहोगे, b है, ठीक है, b तो किस में चला जाएगा, माइनस में, अपान x2 का गुणांक कौन है, a है, तो आप कहोगे ये -b अपान a। तो ये सूत्र होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है x2 का गुणांक अपान में x2 का गुणांक, है ना, -b / a, आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हो -b / a। यहाँ पर अगर शून्य को α + β का वैल्यू निकाले, आप कहोगे x2 का गुणांक -5 है और x2 का गुणांक 1 है, तो अपान एक तो लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल -5 होगा, केवल क्या होगा, -5 होगा। इतना समझ में आया, केवल -5 होगा। इसी तरह जो शून्यकों का अल्फा बीटा का मतलब क्या हुआ, तो आप कहोगे α × β का मतलब हुआ कि शून्यकों का गुणनफल, क्या हुआ भैया, शून्यकों का गुणनफल। अब जो शून्यकों का गुणनफल होता है,
है ना, जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है आपका अचर पद। वो क्या होता है? अचर पद होता है। अचर पद ऊपर लिखा जाता है किसके लिए? जब शून्यकों का गुणनफल। और अपान में लिखना होता है आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक। बताओ समझ में आया? अपान में क्या लिखना होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। क्लियर है? तो आप कह रहे हो अचर पद, इसके बेस पर देखें तो क्या होगा? क्योंकि व्यापक समीकरण मेन यही है, तो इसके बेस पर आप कहोगे सी अचर पद है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। तो आप इसको शून्यकों का गुणनफल ये होता है, शून्यकों का योग ये होता है। आप जो है ये ऐसे जोड़कर अब व्यापक द्विघात समीकरण आप बनाओगे, एक्स स्क्वायर और शून्यकों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर आपको आपके सामने समीकरण नहीं दिया गया है, आप चाहे कर भी कुछ नहीं कर सकते हो। आप करो सर जी ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते हो क्योंकि आपके सामने समीकरण दिया ही नहीं गया है। तो आप क्या करोगे? आप करोगे माइनस आठ, यानी कि वही वाली प्रक्रिया, माइनस आठ प्लस तीन और एक्स, यहाँ पर प्लस आप करोगे माइनस आठ गुणे तीन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखो जब सॉल्व करोगे माइनस पांच। बताओ शून्यकों का गुणनफल यही तो आ रहा था, माइनस पांच ही तो आ रहा था, माइनस पांच एक्स और प्लस आठ त्रिक चौबीस। बताओ गुणनफल में यही तो आएगा, अगर चौबीस निकालना होगा अभी फिर से पैदा करते हैं तब निकालते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस पांच एक्स और प्लस माइनस माइनस चौबीस। अब यहां से अगर हम अल्फा बीटा निकालें आप कहोगे अचर पद, तो अचर पद कौन है? माइनस चौबीस। अचर पद कौन है? माइनस चौबीस। और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस चौबीस ही तो होगा। अब समझ में आया सारी चीजें? क्लियर हुई? मतलब क्या होता है द्विघात समीकरण बराबर ये होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर समीकरण दिया गया हो तब आपको शून्यकों का योग क्या करना है? इस तरीके से एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक करके निकालना है, है ना, माइनस बी अपान ए से। लेकिन अगर मान लो आपको अल्फा शून्य का मान दिया गया तब आपको जोड़ कर निकालना है। तब आपको क्या निकालना है? जोड़कर। मतलब एक फॉर्मूला आपका ये है, एक फॉर्मूला आपका ये है, एक फॉर्मूला आपका ये, और ये सब किसके लिए है? तो आप कहोगे ये सब है द्विघात समीकरण के लिए है, त्रिघात समीकरण की अभी हम कोई बात नहीं कर रहे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं भैया? द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं। बताओ समझ में आया? अगर समझ में आया, अगर तुम्हारे अंदर दम है, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। और एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस तीन, इसमें जो है आप अल्फा और बीटा यानी कि शून्य का मान बताओ, इसमें अल्फा और बीटा शून्य का मान बताओ, और अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बताओ, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बताओगे। आप शून्यकों का योग तुरंत बता दोगे। आप पूछो कैसे? क्योंकि शून्यकों का योग एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक ना, अगर एक्स का गुणांक की बात करें तो माइनस माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? अरे माइनस या एक्स का गुणांक दो होगा। नहीं नहीं मैं ही बता दूंगा, तो आप क्या करोगे? आप निकालो भाई, है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप निकालो। अगर आप इनबॉक्स से देख रहे हो तो आप कमेंट करो। क्लियर है? इसको करिए जल्दी।